अस्सलाम वालेकुम आदाब, खुशामदीद, स्वागत एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्पीड मशीन। दिस इज़ रहीम, आपके सामने है स्कोडा सिलाविया और ये जो बना है MQB प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसमें गाड़ी की जो लाइनिंग्स है, बॉडी लाइनिंग्स देखते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट, जो भी आपको बॉडी लाइनिंग्स पूरी स्ट्रेट रहेगी और काफ़ी बढ़िया रहेगी। इस MQB प्लेटफॉर्म में जितनी भी गाड़ी बनी है ये और वर्टिस, इसकी डायमेंशंस आपको टॉलेस्ट रहेगी और ये वाइडेस्ट इन अ सेगमेंट रहेगी। देखिए इसमें सामने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आएंगे, उसके साथ LED डे टाइम रनिंग लाइट्स आ जाएंगी, कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स आ जाते हैं और सामने हमेशा की जरा स्कोडा की जो बटरफ्लाई ग्रिल रहेगी और बम्पर भी एक थोड़ा न्यू यूनिक वे से डिज़ाइन किया हुआ है। हुड पे भी काफ़ी अच्छी स्टाइलिश, गाड़ी को काफ़ी स्टाइलिश और आप प्रीमियम बनाया गया है। यहाँ पर स्कोडा की बैजिंग रहेगी। इसमें ये टॉप मॉडल है, इसमें तीन मॉडल आते हैं, एक्टिव, स्टाइल और एम्बिश। ये आपको ऊपर शार्क फिन एंटीना रहेगा और साइड में जो डोर हैंडल्स आएंगे इस पर क्रोम की फिनिशिंग रहेगी। पीछे आपको जो टेल लैम्प्स रहेंगे ये LED में रहेंगे और इसका जो बूट स्पेस है ये काफ़ी बढ़िया है, 500 प्लस आपको बूट स्पेस आएगा, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आएगा। उसके नीचे यहाँ पर स्पेयर व्हील वेल एडजस्ट रहेगा। तो रैपिड से कंपेयर टू रैपिड और ये सेगमेंट में जितनी भी सीडान से लेके सियाज हो गया, वरना हो गया, तो ये सब में आपको टॉलेस्ट और वाइडेस्ट प्रीमियम सेडान रहेगी ये रेंज में। और जब हम इसके इंजन ऑप्शन की बात करते हैं, सेम इसमें भी वर्टुस की तरह आपको 1 लीटर और 1.5 लीटर का ऑप्शन रहेगा। अगर आप 1 लीटर में लेते हैं तो जो गियर बॉक्स आता है आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक रहेगा और मैनुअल का भी ट्रांसमिशन रहेगा, और आप 1.5 लीटर में लेते हैं तो आपको 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। देखिए अगर आप यहाँ पर भी जो देखते हैं, देखिए इंजन की जो पैकेजिंग है और इसकी जो फिट एंड फिनिश है, ये चीज़ें भी देखिए, आपको इसकी कवरिंग वगैरह सब सारी चीज़ें देखिए, आपको काफ़ी बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज्ड की हुई रहती है और हमेशा की तरह काफ़ी हेवी हुड। इसमें फ्रंट में डिस्क आ जाते हैं और ड्यूल चैनल ABS आ जाता है। इसकी जो टायर की साइज़ है आपको 205/55 का इसका एक्सपेक्टेशन रहता है और टोटल इसकी हाइट 16 इंच की रहती है। सामने आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन आ जाएंगे और काफ़ी अच्छे स्मूथ और बेटर सस्पेंशन है। बाकी जब आप इंटीरियर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिरर का साइड ORVM का एडजस्टमेंट रहेगा। ये 1 टच अप एंड डाउन मिरर रहेंगे हमेशा की तरह, जैसा पहले रैपिड में भी रहता था 1 टच अप एंड डाउन, आपको ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। हेडलैम्प्स की जो सेटिंग रहेगी यहाँ पर एज इट इज़ रहेंगी। जो ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले रहेगा ये भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको, फ्यूल टू एम्प्टी, ये पूरा आपको डिजिटल पैनल आ जाता है और बहुत ही अच्छा इसका लुक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल 2-3 वे में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। और सबसे ख़ास थिंग जो रहेगी स्कोडा का जो म्यूज़िक सिस्टम रहेगा, हमेशा जैसा फोक्सवैगन की गाड़ियों में और स्कोडा में जो कंपनी से इनबिल्ट जो म्यूज़िक सिस्टम आता है, इसको चैलेंज ही नहीं है। देखिए मैं एक सॉन्ग प्ले करके बता दूँ आपको, ये अगर आप 1 लीटर TSI इंजन में लेते हो तो आपको 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर रहेगा, और अगर आप 1.5 में लेते हो तो ये 7 स्पीड DSG आ जाता है आपको। गियर बॉक्स यहाँ पर लॉक अनलॉक और ऑटो इंजन और ऑफ का ये फंक्शन रहेगा आपको। वेंटिलेटेड सीट्स के लिए यहाँ पर रहेंगे आप। क्वालिटी मटेरियल काफ़ी बेटर रहेगा स्कोडा का, हमेशा की तरह एकदम बेहतर रहेगा। और ये फिट एंड फिनिश जो रहती है, एकदम जो फिनिशिंग है यहाँ पर ये डैशबोर्ड की, ये सब काफ़ी बढ़िया है। और आप सीट्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, सीट भी काफ़ी ड्यूल टोन में काफ़ी प्रीमियम लुक है। इसका वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा, आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं होगी। यहाँ पर आर्म रेस्ट आएगा, हैंड ब्रेक एज इट इज़ का होल्डर, 12 वोल्ट सॉकेट, यहाँ पर आप अपने मोबाइल वगैरह एक्सेसरीज रख सकते हो। और यहाँ पर भी एक अच्छा बड़ा कंपार्टमेंट स्टोरेज आएगा जब आप इसमें भी, और ये आर्म रेस्ट को आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। उसका देखिए सनरूफ जो रहता है 1 टच आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ आएगा। ये ओपन हो गया और इसको जैसे ही मैंने 1 टच यहाँ पर प्रेस किया, ये वापस क्लोज हो जाएगा। ये हमेशा की तरह IRVM ऑटो डिमिंग रहेगा, जिसमें रात में आपको पीछे की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ। जब हम रियर पोर्शन की बात करेंगे, रियर के जो सीट्स है काफ़ी वाइड है और थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और सबसे गुड थिंग, 3 पैसेंजर के लिए भी, पहले नहीं था, पहले वेंटो में रैपिड में भी नहीं था, 3 पैसेंजर के लिए तीनों के लिए भी आपको हेडरेस्ट है, ये सबसे अच्छी बात है इसमें। ये पीछे का जो पोर्शन है आपको लेगरूम काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आर्मरेस्ट भी रहता है। ये आर्मरेस्ट भी, अगर आर्मरेस्ट आप खोलेगा तो आर्मरेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है, कप होल्डर के साथ आता है।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये अपने सेगमेंट में सबसे टॉलेस्ट और वाइडेस्ट, इसकी जो डायमेंशन है टॉलेस्ट और वाइडेस्ट आपको ये सेडान रहेगी। यहाँ पर रियर एसी वेंट रहेंगे, आपको यूएसबी टाइप सी के लिए रहेगा, यूएसबी चार्जिंग नहीं है लेकिन टाइप सी का आपको चार्जिंग पोर्ट रहेगा, सामने भी रहेगा। सामने मेरे ख्याल से आई थिंक सामने आपको यूएसबी के साथ ऑप्शन है, पीछे आपको यहाँ रहेगा। और यहाँ पर जब हम ऊपर देखते हैं तो ये आपको टॉप मॉडल में सनरूफ आता है, ये तो आपको मैनुअल ओपनिंग रहेगा, बट जो ग्लास रहेगा आप उसको इलेक्ट्रिकली ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। स्कोडा की जो सबसे अच्छी खास बात रहती है, स्कोडा और फोक्सवैगन की गाड़ियों में सभी में आपको लेज़र वेल्डेड रूफ रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको जैसा दूसरे ब्रांड में रबर की बीडिंग दिखती है, रबर की बीडिंग है, ये पूरा लेज़र अटैच, लेज़र वेल्डिंग से अटैच हुआ रूफ रहेगा। और ये देखिए बॉडी जो लाइनिंग सही है, एमक्यूवी प्लेटफॉर्म में काफ़ी बढ़िया। इसकी जो सबसे खास बात जो स्कोडा में रहती है, डिज़ाइनिंग देखिए आम व्हीकल्स में नहीं मिलेंगी आपको, जो बॉडी लाइनिंग रहेगी ये यहाँ से जो मिलकर ये दोनों भी जो लाइनिंग जा रही है, देखिए हर जगह आपको बहुत ही प्रीमियम फिट एंड फिनिश यहाँ तक स्कोडा के आपको लोगों में जाके मिल रही है। और ये सब डोर्स में और यहाँ पर हर जगह आप देखेंगे आपको एक यूनिफॉर्म गैप रहेगा, सभी जगह एक सेम साइज़ का गैप रहेगा। ये लोग काफ़ी बढ़िया गाड़ियों को डिज़ाइन करते हैं, स्कोडा हो गया, फोक्सवैगन हो गया। इंट्री लेवल सेगमेंट में अगर आप कोई प्रीमियम गाड़ी लेना कार लेना चाह रहे हो तो स्कोडा और फोक्सवैगन जो इनके जो सेडान में हैं, ये हो गया स्लाविया या वर्टूस या टाइगून या कुशाक, ये सब इंट्री लेवल सेडान में काफ़ी बेहतरीन सेडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी में अगर आप एक प्रीमियम और जिसमें फिट एंड फिनिश, आपको ड्राइविंग प्लेजर, सेफ्टी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और एक प्रीमियमनेस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये लेवल पर, 11-12 लाख से लेकर आप 17-18 लाख की जो रेंज रेगुलर, इसमें अगर आप प्रीमियम फीचर्स के साथ सेफ्टी के साथ कोई गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फोक्सवैगन एंड स्कोडा आर बोथ आर द गुड ब्रांड्स। एंड वो जो गाड़ियां दे रहे हैं, टाइगून हो गया या फिर कुशाक, स्लाविया या वर्टूस, काफ़ी बेहतरीन गाड़ियां हैं सब। ये था आपके सामने स्कोडा स्लाविया का छोटा सा रिव्यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज वेयर द हेलमेट, ऑलवेज वेयर द सीट बेल्ट, ड्राइव सेफली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।